बुधवार देर रात तस्कर बाबू सिंधी के स्कीम नंबर 36 स्थित गोडाउन के ताले टूटने की सूचना पुलिस को मिली, जिस पर एमसीबी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया गया। ज्ञात हो कि 27 अगस्त को सीबीएन ने पोस्ता कारोबारी जय कुमार सबनानी उर्फ बाबू सिंधी के औद्योगिक क्षेत्र स्थित गोदाम पर दबिश दी थी और मौके से 1 क्विंटल डोडा चूरा, 98 बोरी में भरा 78 क्विंटल डोडा चूरा मिश्रित गेहूं, 300 बैग में भरा 175 क्विंटल अफीम लगा पोस्ता, काला दाना 75 किलो डोडा चूरा धूल को जब्त किया। वहीं कार्रवाई के दौरान सीबीएन ने गोडाउन से बाबू सिंधी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। 2 दिन की जांच के बाद 28 अगस्त को सीबीआई ने बाबू सिंधी के गोडाउन को सील कर दिया था। उसके बाद बाबू सिंधी को न्यायालय में पेश किया गया और 7 दिन के रिमांड पर पूछताछ करने के बाद सीबीएन ने न्यायालय के आदेश पर बाबू सिंधी को जेल भेज दिया। लेकिन बीच में बाबू सिंधी को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने की खबरों के बाद बाबू सिंधी को भैरवगढ़ जेल उज्जैन रेफर कर दिया गया था। इधर बुधवार देर रात सीबीएन और पुलिस को सूचना मिली कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बाबू सिंधी के गोडाउन के गेट के ताले का कुंदा तोड़ दिया गया है। सूचना के बाद मौके पर बाबू सिंधी के परिजन और सीबीएन व केंट पुलिस की टीम गोडाउन का मौका मुआयना करने पहुंची। इसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से बाबू सिंधी के परिजनों ने एक चौकीदार को भी मौके पर तैनात किया। गेट का ताला तोड़ने के बाद अज्ञात बदमाश ने बाबू सिंधी के गोडाउन से क्या चुराया, इसका खुलासा तो नहीं हो पाया, परंतु बताया जा रहा है कि जब सीबीआई और पुलिस टीम गोदाम पर पहुंची थी तब गोदाम के गेट का कुंदा टूटा हुआ था और सील किया हुआ था, ताला नीचे गिरा हुआ था और फिलहाल पुलिस को कुंदा तोड़ने वाला अज्ञात आरोपी तो नहीं मिला है, परंतु पुलिस उक्त मामले में सघनता से जांच में जुट गई है। नीमच से